धन्यवाद संचालक जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बीएल माकड़ साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद माननीय वीरपाल यादव जी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय राम सुरेश वर्मा जी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी दिनेश लोधी जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश पटेल जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी विपिन सिंह पटेल जी, अन्य सम्मानित अतिथिगण और पूरे मंडल के कोने कोने से आए हुए साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की संयुक्त महारैली आज बदायूं में हो रही। 2019 का चुनाव करीब है, तमाम दलों के लोग, तमाम पार्टियों के लोग अपने कार्यक्रम अपनी सभाएं कर रहे, आप लोगों के बीच में जा रहे और तरह तरह की बातें हो रही है। इसलिए आज के समय में हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। किस बात के लिए विचार करने की जरूरत है? तो हमें ये विचार करने की जरूरत है कि आजादी के 70-71 साल में आज देश की स्थिति क्या हो गई है, देश कौन से दौर से कौन सी परिस्थितियों से गुजर रहा है, इस बात के बारे में सोचने की जरूरत है। साथियों, जब हम इस बात के बारे में विचार करते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि इस देश का जो नौजवान है, वो नौजवान इंटर पास करता है, बीए पास करता है, बीएससी पास करता है, टेट करता है, पीएचडी भी करता है, बड़ी से बड़ी डिग्री इस देश का नौजवान लेता है, मगर बड़ी से बड़ी डिग्री लेने के बावजूद भी इस देश का जो नौजवान है उसके हाथ में रोजगार नहीं। और जब वो लखनऊ और दिल्ली की सड़कों पर जाता है और लखनऊ और दिल्ली की सरकार में बैठे हुए जालिम लोगों को यह कहता है कि हमारे हाथ को काम दो, हम भी देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो जो देश और प्रदेश में सरकार चलाने वाले जालिम लोग हैं, वो जालिम लोग देश के नौजवानों के हाथ को काम देने का काम नहीं करते हैं, बल्कि पुलिस के लाठी डंडे से नौजवानों का हाथ पैर तोड़ने का काम करते हैं। नौजवानों के हालात इस देश में खराब है, इस देश में किसानों के हालात खराब हैं, लाखों की संख्या में इस देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के हालात खराब हैं, नौजवानों के हालात खराब हैं, महिलाओं के हालात कितना खराब है, अगर आप अखबार और टीवी देखो तो प्रतिदिन महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार की खबरें आती है। महिलाओं के हालात खराब है, इस देश में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोगों के हालात इतना खराब है कि गुजरात में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने मूछ रखा तो मूछ रखने की वजह से उसे पीट पीट कर मार डाला गया। इतना ही नहीं साथियों, इस देश में अनुसूचित जाति का राष्ट्रपति तो बना दिया जाता है, मगर बड़े ही आश्चर्य की बात है, उस देश का राष्ट्रपति अपने ही देश के मंदिर में जब जाता है उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करना पड़ता है। इतने ज्यादा हालात इस देश में अनुसूचित जाति के खराब है, कहीं घोड़ी पर नहीं चढ़ के बरात नहीं निकालने दिया जाता है। अनुसूचित जाति के हालात खराब है तो अनुसूचित जनजाति के भी हालात खराब है। नक्सलाइट के नाम पर अनुसूचित जनजाति के लोगों को, आदिवासियों को मारा जा रहा है। इस देश में माइनॉरिटी के लोग रहते हैं और माइनॉरिटी में जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है वो मुसलमान माइनॉरिटी है। मुसलमानों के हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा एक ही बात से लगाया जा सकता है कि आज की तारीख में मुसलमानों के घर में क्या पक रहा है, ये तय करने का काम मुसलमान नहीं करते हैं, बल्कि मुसलमानों के घर में क्या पक रहा है आज की तारीख में ये तय करने का काम आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते हैं। इतने ज्यादा मुसलमानों के हालात खराब, और इस देश की जो आबादी है उसकी आधी से अधिक संख्या 52% ओबीसी है, जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। तो देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर 52% पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। इतने ज्यादा हालात पिछड़े वर्ग के। इस देश में अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के सारे लोगों के हालात खराब है
और इन सारे लोगों के अगर हालात खराब है तो ये हालात खराब क्यों है? क्योंकि ये जालिम लोग सरकार में बैठे हैं। और ये जालिम लोग कौन है मैं आपको बताना चाहता हूं। 16 नवंबर 1992 को पिछड़े वर्ग के मंडल कमीशन का फैसला आया था, और जब मंडल कमीशन का फैसला आया था 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया गया था, 27% में क्रिमिनल लगाने का काम किया गया था, और उस समय कहा गया था जिस ओबीसी की इनकम 1 लाख रुपए है उसके बच्चे को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, जिस ओबीसी की इनकम 1 लाख से कम है उसके बच्चे को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। इसका मतलब क्या है? जिसके पास दांत है उसे चने नहीं खिलाए जाएंगे, जिसके पास दांत है उसे चने नहीं खिलाए जाएंगे, जिसके पास दांत नहीं है उसे चने दिखाए जाएंगे, क्योंकि वो चने खा नहीं सकता। रिजर्वेशन ऊपर से भी साफ कर दिया, रिजर्वेशन नीचे से भी साफ कर दिया। अगर ये षड्यंत्र पिछड़े वर्ग के लोगों को समझ में आता, सड़कों पर उतरते तो अपना हक अधिकार ले लेते। इसलिए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जो संघ परिवार के लोग है ये नहीं चाहते पिछड़े वर्ग को उनका हक हिस्सा मिले, क्योंकि इन्हीं के लोगों ने पिछड़े वर्ग का हिस्सा नकार कर रखा हुआ है। इसलिए इन लोगों ने षड्यंत्र किया। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हमारे लोगों को गुमराह करने का काम किया। जो मंडल की लड़ाई थी उसे कमंडल की लड़ाई में तब्दील कर दिया, तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं का इस्तेमाल किया। याद करो विनय कटियार को कुर्मी बिरादरी के थे, याद करो परवीर तोगड़िया को कुर्मी बिरादरी के थे, याद करो जो कल्याण सिंह को, याद करो उमा भारती को, सारे लोगों का इस्तेमाल किया। मंडल कमीशन का जो ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई थी उसको दबाने के लिए सारे पिछड़े वर्ग के नेताओं का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया। आज टॉर्च लेकर ढूंढो, विनय कटियार दिखाई नहीं देते, परवीर तोगड़िया को तो जान से मार डालने की प्लानिंग थी, जान बचाकर बाहर भागने का काम किया। तो साथियों ये वही लोग हैं, इनका असली चेहरा पहचानने की जरूरत है, जिन्होंने मंडल की लड़ाई को मंदिर मस्जिद की लड़ाई में फंसाकर कमंडल की लड़ाई में बदलने का काम किया था, और पिछड़े वर्ग को अधिकार वंचित करने का काम किया था। 2011 का समय आया, मोहम्मद मेसराम साहब ने पूरे देश भर में आंदोलन चलाया कि इस देश में जानवरों की गिनती होती है मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती। पिछड़े वर्ग के नेताओं को पता चला तो पिछड़े वर्ग के नेताओं ने क्या किया, देश की पार्लियामेंट को 3 दिन तक बंद कर दिया, कहा जानवरों की गिनती करते हो, हमारी गिनती नहीं करते। जब देश की पार्लियामेंट बंद हो गई फिर इन बदमाशों को यह लगा पिछड़ा वर्ग जाग रहा है, अपना अधिकार ले लेगा, इसलिए फिर पिछड़े वर्ग की लड़ाई को डाइवर्ट करने का काम किया। और महाराष्ट्र से अन्ना हजारे को उठाया और दिल्ली के रामलीला मैदान में लाकर पटक दिया, और टीवी अखबार में प्रचार हुआ कि राजा हरिश्चंद्र के बाद धरती पर अगर कोई ईमानदार आदमी पैदा हुआ है तो पहली बार अन्ना हजारे पैदा हुआ है। अन्ना हजारे भी अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा जब तक जन लोकपाल नहीं आएगा भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा, मैं अनशन तोड़ने वाला नहीं हूं, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा मगर जन लोकपाल के बगैर में मैं अनशन तोड़ने वाला नहीं हूं। हमारे लोगों की गिनती का मामला दबाया गया। उस समय 1 सितंबर 2011 को वामन मेसराम साहब ने दिल्ली में रैली बुलाई हुई थी जाति आधारित गिनती के मुद्दे पर, हम अपने लोगों को समझा रहे थे चलो दिल्ली गिनती कराना है, तो पिछड़े वर्ग के लोग कह रहे थे अरे विकास जी बेचारा अन्ना हजारे राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी धरती पर आया है, उसका प्राण संकट में है, जन लोकपाल नहीं आएगा वो अपने प्राण त्याग देगा, इसलिए पहले अन्ना हजारे का जान बचाना जरूरी है, बाद में अपनी गिनती का मुद्दा देख लेंगे। मैंने उस समय पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा था अरे भाई ये तुम्हारी गिनती का मुद्दा दबाने के लिए बैठाया गया है, जिस दिन तुम्हारी गिनती का मुद्दा दब जाएगा उस दिन जो अन्ना हजारे है वो अखबार के में से गायब हो जाएगा, अभी जन लोकपाल नहीं आया, अभी जन लोकपाल नहीं आया, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया, लेकिन अन्ना हजारे अखबार के पन्ने से गायब हो गया, अभी धरती पर ही है ऊपर नहीं गया है। नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे अखबार में नहीं आया तो ऊपर चला गया होगा, ऊपर नहीं गया है धरती पर ही है। दोबारा हमारे मुद्दे को दबाने का काम किया गया। 2014 का समय आया, आरएसएस के बदमाशों ने सोचा कहीं पिछड़े वर्ग के नेतृत्व में ओबीसी इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी का नाम हाईलाइट किया और कहा ये पिछड़े वर्ग,
और कहा ये चाय बेचने वाला है और कहा ये अवतार पुरुष है। हमारे लोगों ने सोचा पिछड़े वर्ग का है, चाय बेचने वाला है मतलब गरीब है, अवतार पुरुष है मतलब हमारे कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लिया हुआ है। इसलिए हमारे लोगों ने 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट दे दिया। जो हमारे घरों की महिलाएं थी उन्होंने टीवी देख देख कर इतना प्रभावित हो गई, टीवी देख देख कर इतना प्रभावित हो गई टीवी देख कर। अगर पुरुष दूसरी पार्टी को वोट देने के लिए कह रहे थे तो महिलाओं ने चुपके से नरेंद्र मोदी को वोट दिया कि 15 लाख हमारे पास में भी आ जाएगा, इसलिए नरेंद्र मोदी को वोट देने का काम किया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और रात को 8 बजे आए टीवी पर नोटबंदी का ऐलान कर दिया, हमारे लोग बहुत खुश हो गए। प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है अब टाटा बिरला अंबानी आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि उनके पास काला धन है, हमारे पास तो नहीं है, हमारे लोग खुश हो गए। लेकिन साथियों उल्टा हुआ, किसी भी उद्योगपति पूंजीपति ने आत्महत्या नहीं किया, बल्कि आत्महत्या किसने किया? हार्ट अटैक अगर आया तो गरीबों को आया, लाइनों में लगकर अगर मरे तो गरीब लोग मरे। और इतना ही नहीं, हमारी महिलाओं को इंतजार था 15 लाख का, अरे इसका तो उल्टा हो गया। हमारे घरों की महिलाएं जो अपने खर्चे से बचा बचा कर आटे के कनस्टर में, चावल के कनस्टर में, पुराने बक्से में जो पैसा रखा हुआ था कि कभी परिवार पर संकट आएगा, परिवार पर विपत्ति आएगी तो ये पैसा काम में आएगा, वो पैसा भी इनका चला गया। आने का मामला नहीं है बल्कि चला गया, महिलाओं के साथ धोखेबाजी करने का काम किया। किसान बहुत हुआ किसानों परिवार, अब की बार मोदी सरकार ये नारा लगाया था और नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करवाने का काम किया। किसान मूत्र तक पीने के लिए विवश हुए दिल्ली में, मगर नरेंद्र मोदी ने उनकी बात को नहीं सुना। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, 2 करोड़ रोजगार तो आया नहीं बल्कि रोजगार और कम हो गया। और जब नरेंद्र मोदी से पूछा गया तो कहा पकौड़े बेचना रोजगार है, पकौड़े बेचने के काम पर लोगों को लगाने का काम किया। नौजवानों के साथ धोखेबाजी करने का काम किया, किसानों के साथ धोखेबाजी करने का काम किया। और पिछड़े वर्ग के विरोध में 4 बड़े फैसले नरेंद्र मोदी ने लिए। पहला बड़ा फैसला लिया कि नरेंद्र मोदी ने जानवरों की गिनती करने का आदेश दिया, मगर पिछड़ों की गिनती करने का आदेश नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। दूसरा बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया, 314 बच्चे जो पिछड़े वर्ग के IAS हो गए थे उनकी नियुक्ति को लेयर के नाम पर रोकने का काम किया। और तीसरा बड़ा फैसला लिया, पिछड़े वर्ग के बच्चों को जो स्कॉलरशिप आती थी वो स्कॉलरशिप को बंद करने का काम किया। और चौथा बड़ा फैसला लिया, नरेंद्र मोदी ने बजट में पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कोई प्राविधान करने का काम नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी अपने को पिछड़ा कहते हैं मगर पिछड़े के विरोध में फैसला भी कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है? गधे से गधे आदमी को कुल्हाड़ी पकड़ाओ तो अपने पैर पर नहीं मारता, क्योंकि गधे से गधे आदमी को पता होता है पैर पर कुल्हाड़ी मारने से अपना ही पैर कटता है। मगर नरेंद्र मोदी अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं और पिछड़े वर्ग के पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। इसका कारण है नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, नरेंद्र मोदी मुखौटा है। RSS के लोगों ने नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाया हुआ है ताकि OBC का वोट लिया जा सके और OBC का सत्यानाश किया जा सके, इसलिए ऐसा हो रहा है। 2017 का चुनाव आया, केशव मौर्या को हाईलाइट किया गया और कहा गया अगर उत्तर प्रदेश में BJP चुनाव जीतेगी तो केशव मौर्या को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मगर साथियों जब BJP चुनाव जीत गई, केशव मौर्या को उप बनाया और उप बनाकर चुप कर दिया, उप बनाकर केशव मौर्या को चुप कर दिया और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। और योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? इतने साल पूरे उत्तर प्रदेश में छोड़ दिए, इतने साल उत्तर प्रदेश में छोड़ दिए। अभी आज के ही बदायूं के अखबार में है कई लोगों की जान साढ़ों ने ले लिया है, मतलब अभी उन्हें इंसान के जान की परवाह नहीं है, योगी जी को साढ़ों की ज्यादा परवाह है, क्योंकि वो लोग गाय को माता मानते हैं तो साढ़ को भी कुछ ना कुछ जरूर मानते होंगे। तो साथियों ये नरेंद्र मोदी ने किसानों की फसल को, योगी ने किसानों की फसल को बर्बाद करने का काम किया। मुझसे किसानों ने कहा योगी जी के साढ़ों का कोई प्रबंध करो, तो हमने कहा चुनाव आ रहा है मोदी और योगी का प्रबंध आप लोग कर दो तो साढ़ों का प्रबंध अपने आप हो जाएगा, वो प्रबंध इनका करने का काम
काम साथियों आप लोगों को करना होगा। आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और इन्हें डर क्यों नहीं लग रहा है, पूरे मुल्क के विरोध में काम कर रहे हैं। भारतीय संविधान को जलाया गया, आज संविधान खतरे में है, आज लोकतंत्र खतरे में है, ये डर क्यों नहीं रहे हैं? ये डर इसलिए नहीं रहे हैं, अब इन्हें आपके वोटों की जरूरत नहीं है, ये तो ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीत रहे हैं, इनको लगता है जनता का काम करने से क्या फायदा, अब तो मशीन ही हमको वोट देने वाली है, ये ईवीएम में घोटाला करने का काम कर रहे हैं, और जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग इनकी मदद कर रहा है, इसलिए मैं कहता हूं अभी चुनाव आयोग को चुनाव आयोग नहीं कहना चाहिए, बल्कि चुनाव आयोग का नाम चूना आयोग कर देना चाहिए, क्योंकि देश की जनता को चूना लगाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। मेसराम साहब ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, पर्ची निकालने का मामला आया, अभी चुनाव आयोग कह रहा पर्ची निकलेगी, अभी गांव गांव चुनाव आयोग के आदमी घूम रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि यहां से पर्ची निकलेगी, आप संतुष्ट हो हस्ताक्षर करो, लोग हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्राइमरी स्कूल में जाकर छोटे छोटे बच्चों से हस्ताक्षर करवाने का काम कर रहे हैं। लोगों में असंतोष है, लोगों का मशीन पर भरोसा नहीं है, और ये दिखाने का तो पर्ची दिखा रहे हैं और गिनती मशीन की कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं ये उसी प्रकार का धोखा है जैसे आप शादी के लिए जाओ तो लड़की पक्ष वाले लड़की दूसरी दिखाए, और जब मंडप में शादी होनी हो तो एक आंख की काली लड़की को लाकर मंडप में बिठा दे, ऐसे ही चुनाव आयोग आपके साथ धोखेबाजी करने का काम कर रहा है। इसलिए साथियों हमें सतर्क होने की जरूरत है, हमें सतर्क होकर के इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, और ये जो धोखेबाज लोग हैं इन धोखेबाज लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मैदान में है। आज जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो ईवीएम की लड़ाई है, और जो दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई है वो लड़ाई है इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबकी गिनती करो और सबकी संख्या के अनुपात में सबको हिस्सा देने का काम करो। ये लड़ाई लड़ने के लिए माननीय शिवपाल सिंह यादव, माननीय बीएल मातंग जी आपके बीच में आए हैं, इसलिए साथियों इस लड़ाई को तो साथियों ये जो लड़ाई है आज की तारीख में SC ST OBC माइनॉरिटी के सारे लोग परेशान हैं, मुसलमानों के हालात तो इतने ज्यादा खराब हैं, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी वो हत्या के नाम पर, और कभी उनके घरों में क्या पक रहा है ये तय करने का काम मुसलमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके घरों में क्या पक रहा है ये तय करने का काम RSS बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को, सारे लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है। वो हमें आपस में लड़ाते रहते हैं, वो हमारे ओबीसी के लोगों को कहते हैं मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, और वो कहते हैं हिंदू खतरे में है, इसलिए सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। मगर जब हमारी गिनती का मुद्दा आता है, जब हमारे आरक्षण का मुद्दा आता है, जब हमारे प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा आता है, जब हमारी संख्या के अनुपात में भागीदारी का मुद्दा आता है, तब वो हमारा साथ नहीं देते हैं। ये लड़ाने का मामला है। ये जो संघ परिवार RSS के लोग हैं, ये महाबदमाश लोग हैं, ये यादव को पटेल के विरोध में भड़काते हैं, पटेल को यादव के विरोध में भड़काते हैं, लोधी को यादव पटेल दोनों के विरोध में भड़काते हैं, साकी को यादव पटेल लोधी तीनों के विरोध में भड़काते हैं, अनुसूचित जाति के लोगों को बोलते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग जय भीम नहीं बोलते, और जब पिछड़े वर्ग का कोई आदमी जय भीम बोलता है तो ये उसको कहते हैं चमार हो गए क्या, जब पिछड़े वर्ग का बोलता जय भीम तो उसको बोलते चमार हो गए क्या, और जब ये अनुसूचित जाति में जाते हैं तो कहते पिछड़े वर्ग वाले जय भीम नहीं बोलते। तो ये जो साथियों लड़ाने भिड़ाने वाले लोग हैं, इन लड़ाने भिड़ाने वाले लोगों से हमें सतर्क रहने की जरूरत है, और पिछड़े वर्ग के लोगों को एक बात बहुत जरूरी करने की जरूरत है, वो बात ये है पिछड़े वर्ग का बहुत गौरवशाली इतिहास है, तथागत बुद्ध से लेकर के ज्योतिबा फूले का, शिवाजी महाराज का, साहू महाराज का, पेरियार रामास्वामी नायकर का, जगदेव बाबू कुशवाहा का, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा का, पेरियार ललई सिंह यादव का, ये बहुत बड़ा इतिहास है। इस इतिहास को पढ़ना होगा और इस इतिहास को समझना होगा। जब तक इस इतिहास को पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक इस देश में जो वास्तविक लड़ाई है उस लड़ाई को आप लड़ नहीं
नहीं सकते, इसलिए साथियों इस देश में अभी एक ही लड़ाई होगी, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं इन्हें लामबंद होना होगा, इन्हें इकट्ठा होना होगा और इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये लड़ाई लड़ने का काम करना होगा। ये लड़ाई लड़ने के लिए माननीय BL मातंग जी, माननीय शिवपाल यादव जी इस मंच को बनाया हुआ है, इस गठबंधन को बनाया हुआ है, इसलिए इस गठबंधन को आपको मजबूत करना होगा। आप लोगों को कहा जाएगा कि BJP को हराना है, आप लोगों को और भी बातें कही जाएगी, मगर साथियों हमें यह देखना होगा जिन्होंने पूर्व में सरकारें चलाई है उन्होंने क्या किया है और आज हमें किस बात की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग काम करेंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस गठबंधन का समर्थन करता है और आप सभी से समर्थन की अपेक्षा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय मूल्यवासी, जय भारत।